हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब इट नाउ फॉर मोर एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग अपडेट। वेल, एक तरफ तो साहिबा है जिसे अंगद और सीरत के रिश्ते को लेकर के बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वहीं दूसरी तरफ सीरत है जो अपने और अंगद के रिश्ते को और ज़्यादा कन्फर्मेशन करने के लिए साहिबा को झूठी झूठी तस्वीरें बेच रही है, साहिबा को उल्टा सीधा यहाँ पर सबूत दे रही है। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे सीरत ने अवार्ड फंक्शन में जाने से पहले जो पिक्चर, जो सेल्फी खींची थी अपनी, वीर और अंगद की, उसमें से वीर को क्रॉप करके उसने अपनी और अंगद की फ़ोटो साहिबा को भेज दी है, जिसके बाद साहिबा को इस बात का यकीन हो चला है कि अंगद को ना तो उसकी याद आ रही है और ना ही अंगद को उसकी कोई ज़रूरत है। लेकिन अब यहाँ पूरा परिवार जहाँ जाने वाला है अवार्ड फंक्शन में, तो वहीं साहिबा लेने वाली है डेकोरेशन का पूरा चार्ज और वहीं पर होगी उसकी जसलीन और बाकी घर वालों से मुलाकात। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जसलीन साहिबा को देख करके उसका हाल चाल पूछने वाली है। एज़ पर द सोर्सेज की माने तो यहाँ पर जसलीन जाएगी साहिबा के पास और कहेगी कि ये सब कुछ तुमने किया है, नॉट बैड साहिबा, वैसे तुम कैसी हो। तभी साहिबा जसलीन को देखेगी ऊपर से लेकर नीचे तक और कहेगी कि मैं कैसी हूँ, इस बात से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप सब खुश हो ना, इतना ही काफ़ी है। साहिबा यहाँ जा ही रही होगी और तभी यहाँ पर जसलीन उसका रास्ता रोकेगी और कहेगी कि एक मिनट साहिबा, मुझे बाकियों का तो पता नहीं लेकिन तुम्हारे जाने से अंगद काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा है, वो बहुत ज़्यादा मिस करता है। बेचारे के चेहरे से वो मुस्कान चली गई है, वो अंगद अब पहले जैसा अंगद नहीं रहा जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। तुम जब से गई हो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जसलीन को रोक कर के बीच में साहिबा दिखाने वाली है अंगद और सीरत की वो तस्वीर जो उसने अवार्ड फंक्शन में जाने से पहले भेजी थी। यहाँ पर साहिबा कहती है जसलीन से कि शायद आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है, ज़रा आप इस फोटो पर गौर करके देखिए, देखकर लग रहा है किसी एंगल से कि अंगद दुखी है या फिर परेशान है, बल्कि वो तो इतना ज़्यादा खुश लग रहा है सीरत दी के साथ जैसे वो चाहता था और जिसे वो चाहता था, उसके मिल जाने से, उसका प्यार मिल जाने से अंगद की खुशी आप साफ तौर पर उसके चेहरे पर देख सकते हैं और सीरत दी की खुशी भी आप साफ फोटो में देख ही रही होंगी। ये सारी बात सुनकर पहले तो यहाँ पर जो जसलीन है वो साहिबा को कहने वाली है काफ़ी खुश बातें, उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसेगी और कहती आएगी नज़र कि वाकई में साहिबा तुम कितनी भोली हो, वाकई में मैंने पूरी दुनिया देखी है लेकिन तुम दोनों बहनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तुम्हारी बहन वो बहुत शातिर लड़की है, तुम्हें नहीं पता है, बल्कि इसमें सीरत ने तुम्हें पिक्चर क्रॉप करके भेजी है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली पिक्चर क्या है। तभी जसलीन अपना फ़ोन खोलेगी और उसको दिखाएगी रियल पिक्चर जिसमें सब साथ में होंगे, और एक पिक्चर होगी जिसमें साहिबा की एब्सेंसी में अंगद होगा और सीरत होगी और साथ में वीर होगा। यहाँ पर जसलीन दिखाने वाली है साहिबा को वही फ़ोटो और उसको खोलने वाली है ये बड़ा राज कि ये जो सीरत ने तुम्हें फ़ोटो भेजी है ये एडिटेड पिक्चर है, ताकि तुम यहाँ पर अंगद से नफरत करो और तुम उसके पास लौटने का सोचो भी ना। साहिबा जैसे ही ये पिक्चर देखेगी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाने वाली है, और तभी यहाँ पर जसलीन उसे ये भी कहती है कि अंगद अभी भी तुम्हें ही मिस करता है साहिबा, वो तो सीरत ही है जो अंगद के ज़बरदस्ती गले पड़े रहती है, अदरवाइज अंगद तो उसको एक आँख देखता भी नहीं है। ये बात सुनकर कि हमेशा की तरह साहिबा को अपनी सोच पर पछतावा होगा, वो सोचेगी कि मैंने अंगद को कितना गलत समझा जबकि अंगद तो ऐसे हैं ही नहीं, और तभी वो सोचेगी कि अब उसे सबक सिखाना होगा सीरत को और देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या साहिबा अब समझ पाएगी कि अंगद इनोसेंट है, वो वाकई में सीरत से प्यार नहीं करता बल्कि सीरत ये सारा गेम खेल रही है, देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
Yeah.